तो हेलो दोस्तों, मैं विवेक और आपका बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईफोन 11 के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आईफोन 11 दोस्तों आईफोन 11 जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ऐसा कुछ न्यूज़ तो आईफोन की तरफ से नहीं आया, पर हम लोग कह सकते हैं इसके पहले वाले आईफोन लॉन्चेस को देखकर कि आईफोन इस ही साल में एक नया आईफोन लॉन्च कर ही देगा। वैसे आईफोन का हर साल का यही रणनीति रहा है दोस्तों कि हर साल वो अपना एक नया फ़ोन लॉन्च करता है। तो जाहिर से बात है, इस बार आईफोन लॉन्च करने वाला आईफोन 11 दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आईफोन 11 और दो फ़ोन हो सकता है जो कि बन जाएगा आईफोन XR का सक्सेसर दोस्तों, जैसा कि आईफोन XI और आईफोन XI मैक्स दोस्तों, जो कि होने वाला है इस आईफोन X, आईफोन XS मैक्स वाले सीरीज़ का सक्सेसर। करने वाले हैं कि आईफोन 11 में क्या कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे हम सबको, और क्या प्राइस इसका इंडिया में आने वाला, और ये इंडिया में कब तक लॉन्च होगा। इंडिया में नहीं दोस्तों, मतलब बाहर में ग्लोबली कब तक लॉन्च होगा और इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, अगर ये सब आपको जानना है तो इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आईफोन के फोन्स को लॉन्च होने में 2019 में अभी भी कुछ वक्त है, कुछ महीने हैं दोस्तों लॉन्च होने में, पर ऐसा कि रिपोर्ट आया है कि आईफोन का 2019 का फ़ोन का लाइनअप होने वाला कुछ इस तरह के होने वाला कि जो कि आईफोन लॉन्च करने वाला कुछ नए फ़ोन्स दोस्तों। तो जिसमें से दोस्तों हमारा सबसे पहला आईफोन आएगा आईफोन 11, आईफोन XI एंड आईफोन XS मैक्स और आईफोन XR का सक्सेसर्स दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, ये कुछ डिवाइसेस लॉन्च करने वाला है आईफोन इसी 2019 वाले ईयर में। दोस्तों बात करें इस आईफोन्स की मेन हाईलाइट के बारे में, तो दोस्तों इसमें हमें मिलने वाला 3 कैमरा सेटअप दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 3 कैमरा सेटअप, जैसा कि हर डिवाइसेस अपने डिवाइसेस में 3 कैमरा ट्रिपल कैमरा सेटअप लेके आ रहे हैं, तो आईफोन कैसे पीछे रह जाता दोस्तों। तो आईफोन ने भी ट्रिपल कैमरा सेटअप ले आया है, खासकर आईफोन 11 वाले डिवाइस में। और आगे बात करें दोस्तों, हमें देखने को मिल जाएगा कि आईफोन की तरफ से रिपोर्ट आया है कि आईफोन ने अपना पेटेंट अप्रूव किया कि फुल स्क्रीन डिस्प्ले और फेस आईडी और टच आईडी के ऊपर दोस्तों होने वाला बहुत ही बड़ा कंपटीशन एंड्रॉयड के इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के ऊपर। दोस्तों हो सकता है कि आईफोन भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग ले आए इस सब डिवाइसेस में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं अब की आईफोन का रिलीज डेट कब आने वाला, क्या स्पेसिफिकेशंस है और क्या फीचर्स है इस डिवाइस में। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि बात करें आईफोन के रिलीज डेट के बारे में, तो दोस्तों आईफोन आने वाला इसी साल में कुछ नवंबर और अक्टूबर सितंबर के तीनों मंथ के बीच में। तो ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों होने वाला है। तो जैसा कि मैं होमवर्क करके आऊँ, तो मैं आपको देख के बताता हूं कि जैसे आईफोन XS दोस्तों, आईफोन XS, आईफोन XS मैक्स लॉन्च होता सितंबर में 2018 में, और XR लॉन्च होता अक्टूबर में 2018 में दोस्तों, गौर कीजिएगा दोस्तों। और दूसरा जो आईफोन था आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस लॉन्च हुआ था नवंबर 2017 में, और जो हम लोग का बहुत ही प्रिय डिवाइसेस जो आईफोन X लॉन्च हुआ था वो भी नवंबर 2017 में। तो यही सब लाइनअप को देख के हम लोग बता सकते हैं कि आईफोन भी लॉन्च करेगा इसी साल 2019 में सितंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में अपना सारा 2019 डिवाइसेस का लाइनअप। बात करें दोस्तों प्राइस की और क्या इसमें कुछ मिल जाता, तो हम लोग तो आईफोन का जो प्राइस होने वाला है दोस्तों, आईफोन 11, आईफोन XS जो आईफोन आई क्या है दोस्तों, कि आईफोन करके मैं पागल हो गया हूँ, कि आईफोन XI, आईफोन XI मैक्स का जो प्राइस होने वाला है ना दोस्तों, वो होगा पूरा सेम टू सेम आईफोन X, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, क्योंकि सेम प्राइस क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि जो ऐसा कुछ रिपोर्ट है दोस्तों कि आईफोन के पिछले ईयर के देखे सेल्स के जो हम लोग देखेंगे ग्राफ, वो थोड़ा नीचे गया हुआ है, तो इसलिए आईफोन ने प्राइस को पिछले आईफोन से टैली करके रखा हुआ है दोस्तों। बात करें तो आईफोन तो आप जानते हैं प्रीमियम रहता है, ये तो वैसे ही प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आएगा, जिसमें हमें मिल जाएगा शाइनी मेटल वाला लुक, डिस्प्ले अच्छा वाला, ग्लास प्रोटेक्शन ही होगा, क्योंकि आईफोन का तो बैक और फ्रंट ग्लास तो आप देख जानते हैं कि कैसा होगा। उसके लिए आप जा सकते हैं जेरी रिक एवरीथिंग के जो चैनल है उसमें जाके उनका देख लीजिएगा ड्यूरेबिलिटी। और उसके बाद बात करें तो आईफोन 11 में हम लोग को क्या हाईलाइट देखने को मिल जाते हैं, सबसे पहला मैं आपको बता चुका हूँ 3 कैमरा सेटअप, जो जिसका अपना ही फंक्शन होगा, जो कि आपको मोर लाइट गैदर करने में आपको मदद करेगा, डेप्थ सेंसिंग में मदद करेगा और वाइड एंगल में मदद करेगा दोस्तों। करें सेकेंड फीचर्स की, तो इसमें हमको देखने को मिल जाएगा, जी हाँ दोस्तों, टाइप सी पोर्ट। इस बार एप्पल ने स्किप कर दिया अपना जो पसंदीदा जो पहले से लाइटनिंग पोर्ट था, जो कि मेरे को एकदम बकवास लगता था, लाइटनिंग केबल के साथ जो आता था उनका चार्जर, उसको रिप्लेस करके टाइप सी वाला सेटअप दे दिया है इस वाले आईफोन 11 में।
और देखते हैं बाकी सब डिवाइस में हमें ये सब मिलता है कि नहीं। और बात करें नेक्स्ट की तो फीचर निकल के आ रहा है जो कि है AR ऑगमेंटेड रियलिटी। दोस्तों ये सब आईफोन के बीच में एक नया जो है ये क्या जो बोलिए फीचर और क्या जो एक जैसे आईफोन AR AI टेक्नोलॉजी था एक नया टेक्नोलॉजी निकल के आ रहा है AR। तो आईफोन अपने इस आईफोन्स में इंप्लीमेंट करने वाला यही नया टेक्नोलॉजी जो कि दोस्तों बन जाएगा रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक आईफोन के सारे जो फोन्स के लाइनअप होने वाले हैं उसका बेस बन जाएगा AR। जैसे AI कुछ था दोस्तों उसके ऊपर भी AR बन जाएगा। क्या मुझे आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों बात करें आईफोन्स के नेक्स्ट ईयर के आईफोन्स के बारे में जो अब आने वाला है लेटर हम लोग देखेंगे जो आईफोन्स, तो ऐसा रिपोर्ट निकल के आ रहा है दोस्तों कि कुछ इसमें आईफोन डालने वाला 3D कैमरा सेट जो कि कुछ बवाली करने वाला है जैसे बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा आईफोन अपने न्यू आईफोन को ला के। पर वो सबको करने के लिए मार्केट को तगड़ा रखने के लिए आईफोन को प्राइस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आईफोन जानता है कि इंडिया में सब बैठे हैं हम जैसे चिंदी चोर, मतलब समझ जाओ दोस्तों कि हम जैसे आईफोन तो खरीदेंगे नहीं, हमारा आईफोन तो Xiaomi है, Xiaomi जिंदाबाद। तो दोस्तों आईफोन को ध्यान देना पड़ेगा सबसे ज़्यादा प्राइस पे। तो अब इंडिया को अब आईफोन चूतिया नहीं बना सकते थे दोस्तों, उसको आईफोन को प्राइस में ध्यान देना पड़ेगा। अगर आईफोन को प्राइस में अगर ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों सब तो वन प्लस के तरफ भागेंगे ही। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आया अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया होगा जरूर लाइक करना, लाइक करने से ज़्यादा जरूरी अभी दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो अभी एंड स्क्रीन लग चुका है मेरा प्रीवियस दो वीडियो दिख रहा है आपको साइड साइड में और बीच में एक सर्कल आ रहा है उसको प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।